YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। और सोनीपत में सीएम मनोहर लाल खट्टर रोड शो करने वाले हैं। रोड शो को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जगह जगह पुलिस की तैनाती की जाएगी। तो वहीं आज सीएम सोनीपत को सौगातें भी देंगे। सीएम 3 प्रोजेक्ट्स को जनता के हवाले करेंगे, जिन्हें 35 करोड़ की कीमत से तैयार किया गया है। रोड शो को लेकर सुरक्षा चाक चौबंद है। तो वहीं शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर कई रूट डाइवर्ट किए गए हैं। शहर में एंट्री करने वाले कई रूटों में बदलाव किया गया है। मसलन मुरथल और की ओर से आने वाले वाहन अग्रसेन चौक से ही डाइवर्ट हो जाएंगे और सेक्टर से होते हुए शहर में पहुंचेंगे। इसके अलावा खरखौदा की ओर से आने वाले वाहन आईटीआई चौक से सेक्टर 14-15 मध्य मार्ग से होते हुए गांधी चौक के रास्ते शहर में प्रवेश करेंगे। इसी तरह से शहर जाने वाले वाहनों के लिए भी ये रूट रहेगा। खास बात यह है कि गीता भवन से सुभाष चौक या सुभाष चौक से गीता भवन तक ट्रैफिक बंद रहेगा। साथ ही मुरथल अड्डा या बस अड्डे की तरफ से और मामा भांजा चौक की तरफ से शहर में एंट्री बंद रहेगी। रोड शो के लिए पुलिस के करीब 400 अतिरिक्त जवान सड़क मार्गों पर तैनात रहेंगे। रूट डाइवर्जन सिर्फ रोड शो के दौरान अपनाया जाएगा।